अंबिका बेटा, तुम फिर से वही गलती कर रही हो। वैसे एक वजह थी जिसके लिए उसने तुम्हें बचाया, जिसके लिए उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, और वो वजह ये है कि वो तुम्हें देविका साबित करना चाहता है। भूल गई कि उसने तुम्हारा बर्थमार्क देख लिया था, इसीलिए तो बेटा वो यहाँ एक बेसब्री से तुम्हारा बैठा इंतजार कर रहा था। जिद पकड़ के बैठा था कि जब तक तुम नहीं आओगी वो तुमसे मिले बिना नहीं जाएगा। तुम्हारा वहाँ किडनैप हो गया था, लेकिन उसके सर पर जिद सवार थी कि वो तुम्हें देविका साबित करके ही रहेगा। और बेटा, वो तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहता है कि तुम अंबिका नहीं देविका हो। और अगर तुम उससे मिलने गई ना, तो वो सबसे पहले तुमसे यही सवाल करेगा, यही बात करेगा कि तुम देविका हो। तुम्हारे बर्थमार्क के बारे में तुमसे पूछेगा। फिर बताओ, तुम्हारे पास कोई जवाब होगा उसके इन सब सवालों का? बेटा, उसके पास इतना पक्का सबूत है जिसे हम नकार नहीं सकते। अगर उसने ये साबित कर दिया ना, तो क्या करोगी तुम? कबूल कर लोगी कि तुम देविका हो? सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, वो तुम्हारी नजरों में बहुत महान बन गया है, बहुत अच्छा बन गया है। लेकिन बेटा, अपने दिल की बातों में आना छोड़ दो, कभी अपने दिमाग से भी काम लो। देखो, जज्बात में बहकर जल्दबाजी में किसी भी बात पर एक्शन लेने से पहले हर पहलू को अच्छे से देख लेना बहुत जरूरी होता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। लेकिन माँ, रवि ने जो किया। अफसोस इस बात का बेटा, कि अक्सर सच्चाई हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाती। प्लीज प्लीज अपने जज्बातों पर काबू करना सीखो। इंस्पेक्टर, तुम तो जानते हो ना मुझे, अपना मोबाइल दे देते, आराम से अंदर बैठ के बात करता, यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती ना मुझे। वो सब ठीक है मिस्टर कपूर, लेकिन इस वक्त आप एक आम कैदी है, कोई नेता नहीं। वो तो आपने बहुत रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं आपको फोन करने दे रहा हूँ, वरना ये हमारे नियम के खिलाफ है। जल्दी से कॉल कीजिए, वापस आपको लॉकअप जाना है। मेहरबानी जी, याद रखूंगा मैं। खोसला साहब नमस्कार, साकेत बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, ये अंबाला में एक प्रॉब्लम हो गई है, ये झूठे केस में फंसाया जा रहा है मुझे। समझ गया ना, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मिलता हूँ आपसे। हो गया कांस्टेबल, चलिए। हाँ छोड़, बहुत तेवर दिखा रहा है इंस्पेक्टर। कोई बात नहीं, मुझे जानने के बावजूद तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है, याद रखूंगा मैं। और मैं तो बहुत जल्दी यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन हम जल्दी मिलेंगे। पछताओगे तुम इंस्पेक्टर। चल क्यों रवि गरेवाल, सब ठीक ठाक मजे में? तुम यहाँ दीवार पे अपना सर फोड़ रहे हो और वो वहाँ आराम कर रही होगी। इंसान एक बार गलती करने के बाद सुधर जाता है, लेकिन तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो, वही गलती बार बार दोहरा रहे हो। एक नंबर के टफर हो तुम। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? पिछली बार भी हीरो बनकर बचाए थे ना उसे, कुछ मिला? हाँ, तुम दोनों की शादी हो गई थी। शादी? सिर्फ नाम की शादी थी तुम दोनों की, और कुछ नहीं। ऐसे कुछ था ही नहीं तुम दोनों के बीच में। था कुछ? कुछ नहीं ना, होगा भी नहीं। तू बता, क्योंकि मेरी बद्दुआ है, तुमने मेरा प्यार मुझसे छीना है, मेरा प्यार। कभी सुखी नहीं रहोगे तुम, कभी नहीं। मैं तो यहां से जल्दी निकलने वाला हूं, लेकिन मैं देखूंगा तुम यहां से बाहर कभी नहीं निकल पाओ, कभी नहीं। और यहां से बाहर निकलने के बाद तुम्हारी वो अंबिका देविका जो भी है, उसके साथ अपना अधूरा काम पूरा करूंगा मैं। तेरी इतनी हिम्मत, बकवास बंद कर, अपनी मैडम जान से मार दूंगा तुझे, समझा? देविका सिर्फ मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी हमेशा के लिए। और अगर तूने मेरी देविका की तरह आंख निकाल के भी देखा, तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा, आंखें निकाल के तुझे मार दूंगा चाहते। तुझे जो करना कर ले, और मुझे जो करना मैं करके दिखाऊंगा तुझे। कर ले जो करना तुझे, देखता हूं मैं भी कि मुझे कौन रोक सकता। साकेत, साकेत, अगर तुम देविका को छुआ तो जान से मार दूंगा मैं। साकेत मेरी बात सुन, देविका सिर्फ मेरी है, अगर तूने उसकी तरफ आंख उठा के देखी तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। साकेत, साकेत मेरी बात ध्यान से सुना,
तू तो क्या अगर किसी ने भी मेरी देविका को छुआ तो मैं जान से मार दूंगा उसे। सुना तूने? मैं मजबूर हो गई हूँ आज पर। तभी बात जेल में है। एक ऐसी गलती की सजा काट रहा है जो उसने की भी नहीं है। बेकसूर है। और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा राक्षस हूँ। दुविधा में फंस गई हूं मैं। अगर इस वक्त मैं रवि को बचाने की कोशिश करती हूं तो उसको पूरा यकीन हो जाएगा कि मैं देविका ही हूं। इतने अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया आपने मुझे अम्मे मां। मैं क्या करूं? लेकिन मैं रवि को ऐसे जेल में तड़पता हुआ नहीं देख सकती। वो मुझे बचाने आया था जब मुझे उसकी जरूरत थी। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया और अब उसको मेरी जरूरत है। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। मुझे कुछ तो करना होगा लेकिन कैसे करूं? क्या करूं मैं? जी मान लिया जी मान लिया। आपको रवि को लेकर टेंशन हो रही थी। पर जी श्वेता की क्या गलती है? उसे क्यों घर से बाहर निकाल दिया आपने? क्या पता उसे कुछ पता ही ना हो किडनैपिंग के बारे में। जी मुझे आपको पता था। आप थे जिसको सब कुछ पता था कि साकेत अंबिका को अगवा करने वाला है, वो उसे शादी करना चाहता है। आपने मंजूरी दी थी उसको। मुझे अगर रवि को पता चल गया ना कि आपने साकेत का साथ दिया है तो आपको अंदाजा भी है वो क्या करेगा। फसाद से चुप रहिए मम्मी जी। ये क्या लगा रखा है आपने? अरे किसी को पता चले ना चले आपको बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है जी। बार बार एक ही बात दोहराती रहती है आप। ठीक है मुझे पता था कि साकेत ने अंबिका को किडनैप किया है। मैं ये भी जानती थी कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था ना कि एन वक्त पर रवि वहां पहुंच जाएगा। किससे कहा था रवि से ये सब करने के लिए? सारी प्रॉब्लम्स रवि की वजह से हुई है। और ये जो आप बार बार मुझसे कहती है ना कि इसको पता चल जाएगा तो क्या होगा, उसको पता चल जाएगा तो क्या होगा, जो मुझे डराने की कोशिश करती है ना, ये करने की कोशिश मत कीजिए मेरे साथ। मैं सच में बता रही हूँ, अगर आपका मुंह खुला ना किसी के सामने तो आपके साथ क्या होगा ये अच्छी तरह से जानती है आप। मैं जी क्यों किसी को बताने लगी? मैं तो कुछ कहूंगी नहीं। अच्छा हम इस बारे में बात ही ना करें। देखो जी दीवारों के भी कान होते हैं, हमें तो चुप ही रहना चाहिए। अब आएगा असली मजाक खेलने। आप तो हमेशा मुझे कोसती रहती हो ना माँ कि मैं निठल्ला हूँ, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ता हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और मजे की बात तो ये है कि अब तो मैं कान वाली दीवार भी बन गया हूँ। और अब आप देखना माँ कि दीवार कैसे बिजली बनकर टूटती है आप सब पर। तो मेरा पुत्र तो जी खाम खा में फंस गया ना जी। हाँ तो किसकी वजह से फंसा है? सारी मुसीबत रवि ने खुद अपने ऊपर मोल ली है। किसी ने नहीं कहा था उसे अंबिका को जाकर बचाने के लिए। पुत्र जी मुझे शायद आप भूल रहे हो, कल आपके संगीत की तारीख है। सारे मेहमानों को न्योते जा चुके हैं। अब अगर रवि जेल में रहेगा तो संगीत आप अकेले करोगे क्या? कसम खाकर कहती हूँ रवि कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। कोई आपसे मिलने आया है, आपको विजिटर रूम में चलना है। कौन कौन आया मुझसे मिलने के लिए? लड़की आई है मुझसे मिलने के लिए। देखिए नाम तो मैं नहीं जानता लेकिन कोई लड़की आई। मुझे मालूम है लड़की देविका ही है। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी देविका मुझसे मिलने यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आके साबित कर दे उसने कि वो मेरी देविका। थैंक गॉड देविका तुम यहाँ पर आ गए। थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आप खुद वैसे खोलिए जल्दी, जल्दी खोलिए।